नमस्कार, मैं हूं वैष्णवी। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नज़र सुर्खियों पर। शिक्षकों को मिलेगा स्नैक्स ब्रेक का समय, शिक्षा विभाग ने जारी किए निर्देश। आयुष्मान योजना पर नीतीश सरकार की बड़ी तैयारी, 1 करोड़ का लक्ष्य। नीट परीक्षा रिजल्ट धांधली मामले में कांग्रेस ने की सख्त जाँच की मांग। चोट लगने के बाद अब फिट दिखाई दिए रोहित शर्मा, कल इंडिया वर्सेज पाक से पहले तैयारी पूरी। इसके साथ ही बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। आयुष्मान योजना पर नीतीश सरकार की बड़ी तैयारी, 1 करोड़ का लक्ष्य। लोकसभा चुनाव के दौरान आचार संहिता के लागू होने की वजह से सरकारी कामकाजों की गति धीमी हो गई थी, तो साथ ही कुछ ठप भी पड़े थे। वहीं आचार संहिता के हटते ही अब इन कामों में गति भी आ गई है। 1 महीने में बिहार सरकार द्वारा बिहार में आयुष्मान कार्ड बनाने का लक्ष्य रखा गया है। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे द्वारा विभागीय अधिकारियों को यह निर्देश दिया गया है कि अगले 1 माह में 1 करोड़ लाभुक पात्रों का आयुष्मान कार्ड बनाना सुनिश्चित करें। साथ ही अधिकारियों को अस्पतालों में समय पर दवा आपूर्ति के भी निर्देश दिए गए थे और 31 जुलाई तक आवश्यक औषधि सूची की सभी औषधियों का दर अनुबंध पूरा करने को कहा गया है। शिक्षकों को मिलेगा स्नैक्स ब्रेक का समय, शिक्षा विभाग ने जारी किए निर्देश। 10 जून से बिहार में सरकारी स्कूल खुलने जा रहे हैं, तो वहीं राज्य भर के सभी सरकारी विद्यालयों का संचालन नए समय पर किया जाना है, जिसके लिए गुरुवार को ही नया शेड्यूल भी जारी कर दिया गया था। तो वहीं शुक्रवार को शिक्षा विभाग के प्रभारी अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ के आदेश पर माध्यमिक शिक्षा निदेशक सनी सिन्हा ने एक पत्र जारी किया, जिसमें विद्यालय के शिक्षकों को अल्पाहार के लिए 20 मिनट का अवकाश दिए जाने की बात कही गई है। सरकारी स्कूलों में पद स्थापित या प्रतिनियुक्त शिक्षक एवं शिक्षेतर कर्मियों के लिए स्नैक्स ब्रेक्स के लिए समय निर्धारण की बात कही गई है और शैक्षणिक कार्य के लिए निर्धारित अवधि में परिवर्तन किए बगैर आवश्यकता अनुसार किसी 1 घंटे के पश्चात स्थानीय परिस्थिति को देखते हुए शिक्षकों के लिए 20 मिनट का अल्पाहार अवकाश के लिए अपने स्तर से निर्णय किए जाने के निर्देश दिए गए हैं। महारथी रामोजी राव के निधन पर पीएम मोदी और सीएम नीतीश ने दी श्रद्धांजलि। मीडिया जगत की जानी मानी हस्ती और इनाडू और रामोजी फिल्म सिटी के संस्थापक एवं रामोजी समूह के अध्यक्ष रामोजी राव का 88 वर्ष की उम्र में शनिवार सुबह एक अस्पताल में निधन हो गया। पिछले कुछ दिनों से रामोजी राव गारू बीमार चल रहे थे और उनका इलाज चल रहा था। आज शनिवार की सुबह 4:50 पर उन्होंने अंतिम सांस ली। उनके पार्थिव शरीर को शहर के बाहरी इलाके में स्थित रामोजी फिल्म सिटी में उनके आवास पर ले जाया गया। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राव के निधन पर गहरी संवेदना व्यक्त की है और कहा है कि उनके निधन से पत्रकारिता और फिल्म जगत के क्षेत्र में अपूर्णीय क्षति हुई है। तो वहीं पीएम मोदी ने भी रामोजी राव के निधन पर शोक व्यक्त किया और उन्हें भारतीय मीडिया में क्रांति लाने वाला दूरदर्शी व्यक्ति करार दिया। भागलपुर में हवाई अड्डे के निर्माण के लिए जमीन चिन्हित, डीएम ने भेजा रिपोर्ट। बिहार के भागलपुर में बन रहे हवाई अड्डे के निर्माण में आ रही एक और बाधा दूर हो गई है। डीएम डॉक्टर नवल किशोर चौधरी द्वारा हवाई अड्डे के लिए 650 एकड़ जमीन चिन्हित करते हुए प्रस्तावित मंत्रिमंडल सचिवालय भेज दिया गया। जमीन स्थल का निरीक्षण करने के पश्चात गुरुवार को एडीएम अजय कुमार सिंह द्वारा डीएम को रिपोर्ट सौंपी गई। डीएम ने बताया कि जिस जमीन को चिन्हित किया गया है वो गोराडीह प्रखंड में शहर के नजदीक मौजूद है और हवाई अड्डे के लिए उपयुक्त है। बता दें कि हवाई अड्डे में 3500 मीटर और 4000 मीटर लंबा 2 रनवे बनाने का प्रस्ताव रखा गया है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी विश्वविद्यालयों के शिक्षकों को अभी तक नहीं मिली सैलरी। उच्च न्यायालय के आदेश के बावजूद राज्य के विश्वविद्यालय में शिक्षकों व कर्मियों का वेतन भुगतान अभी तक नहीं हुआ है। शिक्षा विभाग द्वारा विश्वविद्यालयों को वेतन की राशि जारी नहीं हुई है। इससे शिक्षकों से लेकर पेंशन धारकों तक कोहराम मचा हुआ है। अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने 10 से 12 तक कुलपतियों की बैठक बुलाई है। इससे लगता है कि 15 जून से पहले शिक्षा विभाग द्वारा वेतन भुगतान संभव नहीं है। बता दें कि 5 मई को पटना हाईकोर्ट द्वारा वेतन भुगतान करने का आदेश शिक्षा विभाग को दिया गया था, तो वहीं 17 मई को विश्वविद्यालय की सुनवाई के दौरान पटना हाईकोर्ट ने शिक्षा विभाग के अफसरों को चेतावनी भी दी थी कि विश्वविद्यालयों को शिक्षा विभाग बजट राशि दे, नहीं तो आला अधिकारियों के वेतन पर रोक लगा दी जाएगी, जिसे लेकर 22 जून को उच्च न्यायालय में रोक सुनवाई है। सीमांचल के किसानों में ड्रैगन फ्रूट और मखाना की खेती का क्रेज।
डाइवर्सिफिकेशन की दिशा में कदम आगे बढ़ाते हुए सीमांचल की किसानी करवट बदल रही है। एग्री अस्मिता के तहत युवा किसान से जुड़ रहे हैं और डाइवर्सिफिकेशन पर जोर दे रहे हैं। इसके साथ ही भोला पासवान शास्त्री कृषि महाविद्यालय में प्रतिदिन नए शोध कारगर साबित हो रहे हैं। किसानों में अब दलहन तलहन जूट केला मक्का के बाद मखाना की खेती का क्रेज बढ़ता जा रहा है। भारत के कुल मखाना उत्पादन का 85 से 90% बिहार में ही होता है। बागवानी विभाग के सर्वे के अनुसार पूर्णिया जिले में 10,000 एकड़ भूमि में मखाना की खेती हो रही है। इसी तरह अब ड्रैगन फ्रूट की उपज में भी किसान की दिलचस्पी बढ़ रही है। ड्रैगन फ्रूट का क्लस्टर बनाया जा रहा है। बन मनखी में क्लस्टर बनने वाला है, जबकि रुपौली में क्लस्टर बन चुका है। बीटेक युवा सहित 75 किसान ड्रैगन फ्रूट की खेती से जुड़े हुए हैं, जबकि मखाना की खेती से पूर्णिया जिले में 5,000 से अधिक किसान जुड़े हुए हैं। स्वास्थ्य विभाग में जल्द होगी बंपर बहाली। चुनाव खत्म होते ही आचार संहिता हटने के बाद सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों को बिहार सरकार द्वारा खुशखबरी मिलने वाली है। दरअसल बिहार में स्वास्थ्य विभाग द्वारा आने वाले 4 महीने के अंदर डॉक्टर नर्स सहित 45,000 से भी अधिक पदों पर भर्ती की जाएगी। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे द्वारा इसका ऐलान किया गया है। स्वास्थ्य मंत्री ने विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक के दौरान विभाग की योजनाओं की समीक्षा की गई और लोगों को बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था उपलब्ध करवाने के निर्देश भी दिए गए। नीट परीक्षा रिजल्ट धांधली मामले में कांग्रेस ने की सख्त जाँच की मांग। नीट यूजी परीक्षा का रिजल्ट आने के बाद से ही उस पर कई सवालिया निशान लगाए जा रहे हैं। यह मामला पहले ही सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच चुका है, जिनका उस पर परीक्षा में धांधली तक के आरोप लगाए गए हैं। वहीं अब इस मामले को लेकर अब कांग्रेस ने भी सरकार पर सवाल उठाते हुए सरकार को अपने निशाने पर लिया है। बिहार प्रदेश युवा कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता जयवर्धन सिंह ने नीट परीक्षा के रिजल्ट में धांधली का आरोप लगाया है और परीक्षा की जांच करवाने की मांग की है। जयवर्धन सिंह ने आरोप लगाते हुए कहा कि पहली बार नीट परीक्षा में 67 छात्रों ने 720 में से 720 अंक प्राप्त किए हैं। इनमें से 8 छात्र एक ही सेंटर के थे, जो बड़े संदेह के दायरे में दिख रहे हैं। मोदी मंत्रिमंडल में बिहार के 10 मंत्री हो सकते हैं शामिल। लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनने जा रही है। मीडिया के हवाले से यह कहा जा रहा है कि इस बार मोदी मंत्रिमंडल में बिहार की हिस्सेदारी डबल डिजिट में हो सकती है। बताया जा रहा है कि जहां पिछली बार मोदी मंत्रिमंडल में बिहार से 4 मंत्री शामिल थे, वहीं इस बार यह संख्या 10 हो सकती है। जानकारी के अनुसार मोदी कैबिनेट में बिहार की अलग अलग जातियों की भूमिका को देखते हुए उन्हें मंत्रिमंडल में शामिल किया जाए। ललन सिंह, संजय झा, दिलेश्वर कामत, सुनील कुमार, रामनाथ ठाकुर, चिराग पासवान और जीतन राम मांझी बिहार से वो संभावित चेहरे हैं जिन्हें मोदी मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। साइबर फ्रॉड का शिकार होने पर तुरंत करें ये काम। बिहार में साइबर अपराधों के मामले काफी बढ़ गए हैं और इनमें से 75% केसेस ठगी के होते हैं। बिहार में रोजाना 1,500 से अधिक साइबर धोखाधड़ी की शिकायतें आती हैं, मगर महज 30% केस ही दर्ज कराई जाती है और इनमें भी बस कुछ ही लोगों का पैसा वापस मिल पाता है। वजह है कि देरी से सूचना मिलने से पैसे नहीं मिल पाते। अगर आप किसी भी साइबर अपराध का शिकार बनते हैं तो आपको तुरंत ही 1930 पर कॉल कर इसकी सूचना देनी चाहिए, जिससे आपकी राशि आपको वापस मिलने की संभावना अधिक होगी। साइबर फ्रॉड के मामले में समय पर सूचना देने पर साइबर सेल राशि को ब्लॉक करवा देती है। कुछ समय बाद कोर्ट के माध्यम से राशि खाते में वापस आ जाती है। लोकसभा चुनाव 2024 में बिहार के बाहर भी बिहारियों ने लहराया जीत का परचम। लोकसभा चुनाव 2024 में बिहारियों ने बिहार के बाहर भी अपना परचम लहराया और जीत दर्ज की। वैसे तो इस बार के लोकसभा चुनाव में बिहार से 7 बड़े नाम थे जो बिहार से बाहर पश्चिम बंगाल और दिल्ली के लोकसभा क्षेत्रों से मैदान में थे, जिनमें 3 को जीत हासिल हुई है। बंगाल में बिहार से 3 और दिल्ली से 4 बिहारी ने इस बार लोकसभा चुनाव में टाल ठोकी थी। बता दें कि बिहार के शत्रुघ्न सिन्हा, कीर्ति आजाद, मनोज तिवारी, एस अहलुवालिया, कन्हैया कुमार, महाबल मिश्रा और सोमनाथ भारती इस बार लोकसभा चुनाव में खड़े थे, जिनमें शत्रुघ्न सिन्हा, मनोज तिवारी और कीर्ति आजाद को जीत मिली है, जबकि अन्य 4 को हार का सामना करना पड़ा।
पीएम मोदी से सीएम नीतीश ने बिहार के लिए कर दी स्पेशल डिमांड। दिल्ली में शुक्रवार को हुए राजग संसदीय दल की बैठक में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इशारों में प्रधानमंत्री के सामने बिहार के चिर प्रतीक्षित विशेष राज्य के दर्जे की मांग को एक बार फिर आगे बढ़ाया है। तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी अपने संबोधन में नीतीश कुमार ने काम करने वाला नेता बताया, तो साथ ही अभी कहा कि इस बार बिहार का वह सब काम पूरा हो जाएगा जो कुछ भी बचा हुआ है, प्रधानमंत्री उसे पूरा करेंगे। तो वहीं जो कुछ बचा हुआ है का आज से राजनीतिक गलियारे में बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने से जोर कर देखा जा रहा है, जिसकी मांग जदयू लंबी अवधि से करती आई है। इस दौरान सीएम नीतीश विपक्ष पर भी हमलावर रहे और कहा कि इस बार इनका सफाया हो जाएगा। युवराज ने डुबो दी बिहार में इंडिया की नौका, तेजस्वी पर भर के पप्पू यादव। लोकसभा चुनाव 2024 के चुनाव में लालू और तेजस्वी यादव के घोर विरोध के बावजूद कांग्रेस में शामिल पप्पू यादव पूर्णिया से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में खड़े हुए और साथ ही इंडिया अलायंस और एनडीए गठबंधन के उम्मीदवार को हरा कर जीत भी दर्ज की। तो वहीं अब पप्पू यादव ने बिहार में इंडिया अलायंस की हार का ठीकरा तेजस्वी के सर फोड़ा है। पप्पू यादव ने तेजस्वी यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि अगर बिहार के युवराज का अहंकार आड़े नहीं आता तो बिहार में इंडिया गठबंधन को 25 सीटें मिलती। वहीं नरेंद्र मोदी और एनडीए की तीसरी बार सरकार बनने के पर बात करते हुए पप्पू यादव ने कहा कि अब कोई नहीं कहेगा कि मोदी की गारंटी, अब लोग कहेंगे कि एनडीए की गारंटी, क्योंकि केंद्र में अब बीजेपी की नहीं बल्कि एनडीए गठबंधन की सरकार बनने वाली है। लैंड फॉर जॉब मामले में आया तेज प्रताप यादव का नाम। नौकरी के बदले जमीन हड़पने के मामले में सीबीआई ने लालू परिवार की मुसीबतों में एक बार फिर इजाफा कर दिया है। इस मामले में पहली बार लालू यादव के बड़े बेटे और बिहार के पूर्व मंत्री तेज प्रताप यादव का नाम भी आरोप पत्र में दाखिल किया गया है। सीबीआई के द्वारा दाखिल अंतिम आरोप पत्र में राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव और 77 अन्य आरोपियों का नाम भी शामिल किया गया है, जिसमें तेज प्रताप यादव का नाम भी शामिल है। वहीं लालू की बेटी हेमा यादव और लालू के तत्कालीन ओएसडी भोला यादव का नाम भी शामिल है। आरोप पत्र में भारतीय रेलवे के 29 सरकारी कर्मचारी, 37 उम्मीदवार और 6 निजी व्यक्ति भी शामिल हैं। वहीं अब इसे लेकर भाजपा ने लालू यादव पर निशाना साधते हुए कहा है कि लालू यादव ने अपने परिवार का वो हाल कर दिया कि सब इस घोटाले के लपेटे में आ गए हैं। चोट लगने के बाद अब फिर दिखाई दिए रोहित शर्मा, कल इंडिया वर्सेज पाक से पहले तैयारी पूरी। गुरुवार को केंटिंगे पार्क में नेट पर अभ्यास करते हुए रोहित शर्मा को बाएं हाथ के दस्ताने में गेंद लगी थी, तो वहीं आयरलैंड के खिलाफ मैच में भी रोहित को बांह पर गेंद लगी थी, जिसके बाद वो मैच छोड़कर बीच में ही चले गए थे। हालांकि गुरुवार को प्रैक्टिस के दौरान भारतीय कप्तान रोहित शर्मा को बाएं हाथ पर चोट लगने के बाद उन्हें फिजियो ने भी चेक किया था, लेकिन रोहित ने प्रैक्टिस नहीं छोड़ी और कुछ देर बाद वो ड्रेसिंग रूम में गए। वहीं अब पाकिस्तान के खिलाफ महामुकाबले से पहले भारतीय टीम प्रैक्टिस में जुटी हुई है और अपने आप को तैयार कर रही है। रोहित शर्मा भी अभ्यास के लिए उतरे, तो वहीं शनिवार को भी उन्हें अभ्यास करते हुए देखा गया, जहां वो पूरी तरह फिट दिखाई दिए। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल पर आप लोगों में से बहुत से लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है उमेश ऋषिदेव, विनोद महात्मा, राजकिशोर महतो, ओम प्रकाश कुमार, संजीव कुमार, सादुल्लाह पालवी, नौसाद रजा, सुरभि सुमन, रंजीत मिश्रा, रवि कुमार राम, नंद कुमार सिंह, गोनर शर्मा, मोहम्मद साकिर हुसैन, मोहम्मद अनवर। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, नीट परीक्षा सवालों के घेरे में है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज, और साथ ही अगर आप यूट्यूब से देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर आप फेसबुक से देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।